प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वर्ड आ गया, यानी ये चैप्टर कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमको मालूम पड़ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल लेके सॉल्व करना है x. 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 इयर्स अगो एंड 3 इयर्स हैंस इज 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज. यहाँ पे देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं है भले, लेकिन तुमको इतना तो मालूम पड़ गया ये कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जो भी फाइंड हम लोग क्या करते थे, किसको अज्यूम करते थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में देखते थे. अब यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो जो भी फाइंड करने का है उसको अज्यूम करो. फाइंड हर प्रेजेंट एज, एक ही जान की बात हो रही है तेरी वाली, प्रगति. कौन प्रगति? लेट द प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. लेट द प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. एक्स तो मेरे को फाइंड करने का, आगे पढ़ो. ये मैंने लिख लिया, अभी एक ही स्टेटमेंट है यहां से लेके यहां तक. प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लाई. क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्रगति की एज को. लेकिन प्रगति की तो क्या एज है, एक 2 साल पहले और एक 3 साल बाद. यानी 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद वाली एज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और उन लोग का आंसर कितना आना चाहिए, उन लोग बोल रहे हैं 84. देखो ना, उन लोग बोल रहे प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 2 years है, 2 years हैंस इज 84, है ना. तो प्रोडक्ट करने बोल रहे उसकी दो एज बता रहे, एक 2 साल पहले की और एक 3 साल बाद की. समझो अभी मेरी साल है 16, अभी मैं कितने साल का हूँ, 16 साल. तो 2 साल पहले मेरी एज कितनी रहेगी, 14. 2 साल पहले मेरी एज 14 रहेगी और 3 साल बाद में मेरी एज कितनी हो जाएगी. अगर अभी मैंने क्या बोला, मेरे कितने साल की है, अभी मैं 16 साल का हूँ, 2 साल पहले 14 साल का और 3 साल बाद में मैं कितना हो जाएगा, 19. जब मैं 14 को 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 14, 19. जा जो भी आंसर आएगा वो एज आना चाहिए. समझ रहे, तुम ध्यान दो. तो देखो मैंने जो फाइंड करने, कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं है ना ये, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, बट इट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द वर्ड प्रोडक्ट केम. लेट द प्रगति इज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. अभी 2 साल पहले और 3 साल बाद वाली एज की बात हो रही, तो पहले मैं 2 years अगो की बताऊंगा, क्योंकि पहले कौन है, 2 years अगो, 2 साल पहले. अगर मैं अभी 16 साल का हूं तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा, 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14. तो अभी प्रगति एक्स साल की है, अभी प्रगति एक्स साल की है, तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस टू. 2 years अगो प्रगतिज एज वॉज क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगो ग्रामर पे ध्यान दो. प्रगति एज वॉज, अभी कितने साल की हो बच्ची, एक्स साल की, 2 साल पहले क्या हो जाएगी, एक्स माइनस टू ईयर्स. प्रगति एज 2 साल पहले की भी मिल गई. फिर क्या बोल रहे हैं, 3 years hence, 3 years hence, hence यानि बाद में, hence यानि बाद में, after, 3 years hence यानि 3 साल बाद, प्रगति's age will be, क्या आएगा इसके अंदर ग्रामर, क्या आएगा, will be, 3 साल बाद ना, present age कितनी, x, 3 साल बाद, यानि x plus 3 years. अब मेरे को condition बनाने का है, तो मैं क्या लिखूंगा, According to given condition, according to given condition. Product यानि क्या, multiply, मैंने multiply लिख दिया. Product of प्रगति age 2 years ago, 2 years ago प्रगति age कितनी है, x minus 2, है ना, and 3 years ago, and का मैंने multiply लिख दिया, and का multiply नहीं लिखा, मैंने product का multiply लिखा. 3 years hence, 3 years hence कौन है, x प्लस 3, है ना, इज यानी इज इक्वल टू 84. अब ये दोनों ब्रैकेट आजू बाजू में, तो एक्सपांड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपांड, पहले x लिखेंगे फिर ये x प्लस 3, फिर माइनस 2 लिखेंगे फिर ये पूरा x प्लस 3. आता है ना, ध्यान देने का कष्ट करो. x ये वाला x, हाँ ये x ब्रैकेट x प्लस 3, फिर क्या लिखूंगा, माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 84. देयरफॉर x इंटू x, x स्क्वायर प्लस x इंटू 3, 3x, करेक्ट.
माइनस प्लस माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू थ्री सिक्स इज इक्वल टू 84 फोर एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है प्लस माइनस माइनस तीन एक्स में से दो एक्स गया x बराबर तीन उसकी साइन है प्लस ये माइनस सिक्स प्लस 84 इधर आएगा तो माइनस 84 इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 84 प्लस 6 90 है ना बराबर 84 उसकी साइन है माइनस इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर अल्फाबेट कॉन्स्टेंट नंबर क्या करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेरे पास इधर अच्छी खासी जगह है शायद दिख रहा है तुम लोग को तो देख लो 90 के मैं दूसरे पेज पे करता हूँ ये इक्वेशन मैं दूसरे पेज पे कॉपी कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नाइन एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो अगर 90 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लो वरना प्राइम फैक्टर निकालो 90 का ऐसा पहाड़ बनाने का आता है ना 90 10 9 जा 90 10 9 जा 90 हो रहा है मेरे को 1 चाहिए 1 मिल रहा है ना आखिरी में माइनस है माइनस का मतलब क्या माइनस प्लस या प्लस माइनस लू तो मैं क्या लू इधर क्या है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस कभी भी बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में हर सम में बता रहा हूँ बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में अभी देखो प्लस वन आ रहा है क्या तो कभी भी रफ में सॉल्व करके देखने का प्लस माइनस माइनस दस में से नौ गया एक बड़ा नंबर दस है उसकी साइन है वन प्लस वन आ रहा है ना सो यू आर राइट देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये प्लस है ना तो प्लस टेन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स स्क्वायर और एक्स में कौन कॉमन है एक्स एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स से प्लस का प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन एक्स आएगा टेन से इधर माइनस है ना तो माइनस लिखो नहीं लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई काउंट होएगा इधर जो साइन है ना वो उतारने का नाइन और नाइनटी में कौन कॉमन है नाइन नाइन के टेबल में नाइन भी आता है नाइन के टेबल में नाइनटी भी आता है इधर एक्स है इधर एक्स है नहीं नाइन को किससे मल्टीप्लाई नाइन एक्स आएगा एक्स से ये माइनस मत उतारो माइनस इंटू माइनस प्लस नाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे नाइनटी आएगा टेन से इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स प्लस टेन एक जैसा है फिर ये x माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो फिर जीरो को बांटेंगे x प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू प्लस टेन उधर जाएगा तो माइनस टेन और x इज इक्वल टू माइनस नाइन उधर जाएगा तो प्लस नाइन जैसी x की वैल्यू मिली कहाँ पे जम मारेंगे जहाँ पे तुमने x की अज्यूम करे x क्या है प्रगति की प्रेजेंटेज क्या खाली उतना ही फाइंड करने का है हाँ हर प्रेजेंट एज ही फाइंड करने का है तो हर प्रेजेंट एज क्या आप उन्हें अज्यूम करें एक्स एक्स की वैल्यू दो आ रही है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या एज कभी नेगेटिव सुने हाँ कि ये बच्चा नेगेटिव का साल का है नहीं ना सिंस एज एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव भी लिख सकते तुम लोग सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव एज कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इज नॉट एक्सेप्टेबल इज नॉट एक्सेप्टेबल तो क्या एक्सेप्ट करेंगे एक्स इज इक्वल टू नाइन तो सिर्फ एक्स ही बोले फाइंड करने लोग ने क्या बोले फाइंड हर प्रेजेंट एज प्रगति इज प्रेजेंट एज एक्स है और एक्स कितना मिला नाइन कितने साल की है देयरफॉर प्रगति इज प्रेजेंट एज फाइंड हर प्रेजेंट एज ना प्रगति इज प्रेजेंट एज इज नाइन ईयर्स कितने साल की लड़की है वो नाइन ईयर्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन